चंद्र का पीछा करने के वीडियोस लाओ? ये कैसे हो सकता है? ऑफिसर संध्या राठी, इतना हैरान मत होइए। पिछले कुछ दिनों से आपके साथ जो घटनाएं घट रही थी वो आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत को आंकने के लिए आपके इम्तिहान थे। जॉब के सीनियर ऑफिसर जाकिर की मदद से मैं नहीं करवाए थे। चंदर, जिसे तुम क्रिमिनल समझ रही थी वो दरअसल क्रिमिनल नहीं, मेरा आदमी। यस ऑफिसर, आपने इन टेस्ट में साबित कर दिया कि आप आज भी वही संध्या राठी हैं जिसने ट्रेनिंग में बेस्ट कैडेट ट्रॉफी जीती, बड़े बड़े केस सुलझाए, जहां भी गई क्राइम और क्रिमिनल्स की कमर तोड़ दी। एम आई राइट? यस सर। लेकिन किडनी डोनेट करने के बाद तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम अब कोई भी फिजिकल हार्ड टास्क नहीं कर सकती। यू कांट डू एनी फील्ड जॉब। इसे तुम्हारा वहम था, तुम्हारे अंदर का एक डर जिसकी दीवार तुमने अपने अंदर खड़ी कर रखी थी। इट वॉज जस्ट अ मेंटल ब्लॉक। संध्या राठी, ताकत और हौसला हमारे जिगर में, हमारी किडनी में नहीं, कुछ कर दिखाने का जज्बा हमारे खून में होता है, गुर्दे और आंतड़ियों में नहीं। बाय द वे, आई एम नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफिसर भरत कपूर। जय हिंद सर। जय हिंद ऑफिसर संध्या राठी। फ्लैट ऑफ मीटिंग। तब तुम ये समझ गई होगी कि जो संध्या राठी दूसरे ऑफिसर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो किसी भी मुश्किल से लड़कर जीतना जानती है, वो आज भी कहीं कोई नहीं है। वो आज भी पूरे जोश, पूरे जुनून, पूरे हौसले के साथ तुम्हारे अंदर जिंदा है। अरे जो 100 किलो का वजन उठा सकती है, जो चट्टानी और पथरीले रास्तों पर चंद्र का पीछा करके उस तक पहुंच सकती है, वो भी साइकिल पे, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी कमी है। And I'm sure, अब तुम्हें भी यही लग रहा होगा। Yes, sir. Definitely. तुम मुद्दे पे आ जाए जिसके लिए आपको यहां बुलाया। यस सर। आईपीएस संध्या राठी, क्या तुम इस देश की सुरक्षा से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मिशन के लिए तैयार हो? एक ऐसा मौका जो किसी भी देशभक्त सिपाही का सपना होता है। यस सर। ऑफिसर संध्या राठी तैयार है। ऑर्डर कीजिए कब और कहां जाना है। गुड, वेरी गुड। इस मिशन के बारे में बताने से पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहूंगा। As I said, this is high profile mission. तुम इस मिशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ना अपने साथी ऑफिसर को और ना ही अपने घर परिवार दोस्तों को। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। इसकी पूरी जानकारी आपके सीनियर ऑफिसर जाकिर को भी नहीं दी जा रही।
उन्हें सिर्फ कुछ डिटेल्स बताई जा रही है, लेकिन इस मिशन की पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी। भरोसा रखिए सर, इस मिशन की कोई भी जानकारी लीक नहीं होगी, आप निश्चिंत होकर मुझे बता सकते हैं। मैं इस मिशन के बारे में आपको वार्न करना चाहता हूं, ये मिशन खतरनाक है। इसमें क्या चुनौतियां आएंगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हर एक चुनौती जानलेवा हो सकती है। यह मिशन कब तक चलेगा, इस मिशन से तुम कब वापस आओगे, या तुम्हारी शहादत की खबर आएगी, इसका वादा मैं नहीं कर सकता। मम्मा आप टाइम पर आ जाना। बीनड़ी तू तो जाने है ना, तू अगर सामने रहे तो सूरज की हिम्मत बनी रहे। जैसे इस बात के बिना इस दिए के होने और ना होने का कोई मतलब नहीं, ऐसे ही आपने मेरी जिंदगी को मतलब दिया है संध्या जी। और जैसे ये इन दोनों के आपस के साथ के बिना इनका जीना अधूरा है, ऐसे ही मेरा आपके साथ के बिना। मुझे इस मिशन के लिए एक नाबाज ऑफिसर की जरूरत है जो अपने रिश्तों को पीछे छोड़ के अपने फर्ज को आगे रखे, अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने रिश्तों को भी दांव में लगाने की ताकत है तो आगे बढ़, नहीं तो यहीं से पीछे लौट जा। इस देश पर अपनी जान न्यौछावर करने का जज्बा रखने वाले सिपाहियों की कमी नहीं है। मिनिस्ट्री से तुम्हारे पास तब तक का समय है, सोच लो। जिस जज्बे के साथ मैंने ये वर्दी पहनी थी उसे साबित करने का आज बहुत बड़ा मौका मेरे सामने है, मुझे जाना चाहिए। संध्या अब उसे वादा किया था तूने कि कभी भी अपने वर्दी के फर्ज के आगे तो अपने बाकी फर्ज को अनदेखा नहीं करेगी। आज परिवार को तेरा इंतजार, सूरज जी को तेरा इंतजार, तेरे पति का सपना तेरा इंतजार कर रहा है। मैं ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, कहाँ जा रही है? संध्या राठी परिवार की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब बाबा से की उम्र हो रही वो कब तक हर जिम्मेदारी निभाती रहे? छवि की शादी की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है, तुम कैसे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर जा सकती हो? नहीं संध्या, मत जाओ, मत जाओ संध्या, तुम इस मिशन पर नहीं जा सकती। पर देश के लिए भी तो तेरा फर्ज बनता है जिसके लिए तूने ये वर्दी पहनी है। तुझे इस मिशन पर जाना होगा। बाप का फर्ज वो कौन निभाएगा? संध्या बहू की जिम्मेदारी, पत्नी का फर्ज वो कौन निभाएगा? देश का फर्ज कौन निभाएगा? खबों के लिए रुक जाओ संध्या, वेद और वंश की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तुमने इस वर्दी को पहनकर शपथ ली थी। आपसा के लिए रुक जाओ संध्या, परिवार के लिए रुक जाओ, सूरज जी का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें जाना होगा संध्या। संध्या तुम भाभू बाबा सा को धोखा नहीं दे पाओगी, मत रखो ये झूठा दिलासा। संध्या तुझे अपना पत्नी धर्म निभाना है, रिश्ते नाते देशवासियों से ऊपर नहीं हो सकते। संध्या घर जा, संध्या इस मिशन पर मत जा। जरूरत है देश को तेरी, जा। तुम सबसे बहुत प्यार करती हो, तुम सबसे दूर नहीं रह पाओगी, पर देश के लिए फर्ज उसी के लिए तुमने ये वर्दी पहनी है, तुम्हें इस मिशन पर जाना होगा। साथ तेरे लिए तूने सूरज जी के साथ, तेरी जिम्मेदारी बनती है
उनका साथ देना। उन्होंने तेरा सपना पूरा किया इस दिन के लिए कि तूने छोड़ के चली जाए। सूरज जी ने अपना पति धर्म निभाया, अब तेरी बारी अपना पति धर्म निभाने की। तू इस मिशन पे नहीं जाएगी। तुम आज यहाँ तक भाभा और बाबा साहब के आशीर्वाद से ही पहुंची हो, सूरज जी के प्यार से पहुंची। पहले तुम्हारी ड्यूटी घर पर बनती है। क्या सोचा तुम? मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।